ओके सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। सो एक दिन पहले मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आया, उन भाई ने मुझसे कहा कि मेरे चीक्स पर टिनी बम्स हो गए हैं, जिन्हें हम स्मॉल बम्स भी कहते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन होते हैं ये और कहाँ से आते हैं ये, और इसके कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब समर्स स्टार्ट होते हैं तब ये मेरे ज़रूर होते ही होते हैं। सो अगर आपको भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम पर वीडियो चाहिए ग्रूमिंग फैशन से रिलेटेड, सो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपसे बात ज़रूर करूंगा। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये टिनी बम्स जो होते हैं, ये होते पिंपल के छोटे भाई हैं। जी हाँ, ये पिंपल के छोटे भाई होते हैं, बट ये बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं और ये बहुत सारे हो जाते हैं एक जगह पे। जैसे यहाँ पे मेरे जैसे होते हैं, यहाँ पे फोरहेड पे मेरे हो जाते हैं। सो जब ये हमारी स्किन पर होते हैं, सो इनका भी पिंपल वाला ही पूरा सीन होता है। जब हमारी स्किन पर ज़्यादा सीबम ऑयल सिक्रेट होता है तभी ये हमारी स्किन पर निकलते हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही ईजिली हमारे रिमूव हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये रिमूव कैसे होते हैं। सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं और कुछ भी पर यूज़ नहीं करता। और मैं जब इसे निकल ही रहे होते हैं, ये छोटे छोटे तो रहते ही है, बट ये जब निकल ही रहे होते हैं सो आपको पता चल जाएगा, आपके यहाँ पर थोड़ा रफ रफ सा होने लग जाएगा। सो आपको ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मेरे ये हो रहे हैं। तो मैं उस टाइम पर क्या करता हूँ कि आइस क्यूब होती है जो हमारी, उससे मैं इसे धीरे धीरे प्रेस करता हूँ। सो ये सप्रेस हो जाते हैं। ये मैं 2 से 3 मिनट के लिए करता हूँ जहाँ जहाँ पर भी मेरे ये हो रहे होते हैं, मेरे सिर्फ और सिर्फ फोरहेड पर ही होते हैं। और मैंने इसके लिए इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाली थी कुछ टाइम पहले जब ये मेरे हुए थे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ये मेरे नीचे हैंडल आ रहा होगा। वहाँ पर मैं अपने डेली अपडेट देता रहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कौन सा वीडियो हमारा आ चुका है और कौन सा हमारा वीडियो आ रहा है। और पर आप मुझे DM भी कर सकते हो और अपनी कोई सी भी प्रॉब्लम बता सकते हो ग्रूमिंग फैशन से रिलेटेड, जिससे कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। जो सेकंड ऑप्शन है, आपको एक पोटैटो लेना है, उसे आपको मिक्सर में घुमाना है, उसे पहले छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लीजिएगा, देन उसके बाद मिक्सर में उसका एक अच्छे से जूस सा निकाल लेगा जब आप, तो उसे अपने आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उस पर डाल देना है। देन जब आप उसे अपने आइस क्यूब की ट्रे पर डाल दोगे तो उसके भी आइस क्यूब बना लेना। ये हमारे जो टिनी बम्स होते हैं उन्हें सप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो आपको इसे उससे भी धीरे धीरे जैसे आइस से, बट आप इसे रब बिल्कुल भी मत करना, वरना ये थोड़े से कट सकते हैं, कट मतलब ये हट सकते हैं बिल्कुल स्किन से और वहाँ पर शायद निशान भी आपके पड़ जाए। सो आपको इसे धीरे धीरे से प्रेस करना है, धीरे धीरे प्रेस करना है। 2 से 3 मिनट आप प्रेस करोगे, विद इन अ वीक आपके ज़रूर से ये ख़त्म हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। देन अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते तो तीसरा ऑप्शन भी आपके लिए, जो कि है आपको क्लोव लेनी है। क्लोव, जी हाँ, जिसे हम लौंग भी कहते हैं। सो लौंग का आपको पेस्ट सा बनाना है। अब आप उसे को पाउडर फॉर्म में ले लेना, देन आप उस पर एक ड्रॉप रोज वाटर डाल सकते हो, या आप उस पर एक ड्रॉप नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हो। देन आपके जहाँ जहाँ पर भी हुआ आपको वहाँ वहाँ पर लगा लेना है, जहाँ जहाँ पर भी आपके स्मॉल बम्प्स है, जब वहाँ पर आप ये लगा लोगे सो आप इसे 15 मिनट बाद हटा देना, ये धीरे धीरे सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे और विद इन अ वीक ज़रूर से आपके खत्म हो जाएंगे बिल्कुल भी। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आप ये तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन फॉलो कर लेते हो एक वीक तक, सो आपके ज़रूर से गायब हो जाएंगे, 80-90% तो आपके हो ही जाएंगे विद इन अ वीक, या 1 से 2 दिन और लग जाएंगे, बट आपके ये एक वीक में गायब होने वाले हैं। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।